लीजिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मैच शुरू होता हुआ। सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 हरियाणा राज्य स्तरीय। इस वक्त चार नंबर जर्सी में देखिए दादरी बनाम अंबाला के बीच, और सेफ यहां पे दादरी। अटावला की पावन पवित्र धरा से जो कि पानीपत में स्थित है, और वहां से जो आप देख पा रहे बेहतरीन कवरेज में गजानंद, आप सभी का शुक्रिया, स्वागत करता हूं। एंगल होल्ड यहां मजबूत और उतना ही शानदार उस साइड लाइन से भेजा, और पहला पॉइंट इस वक्त है दादरी की दरिया में। जबकि इधर शेल्फ आउट यहां एक खिलाड़ी तोहफे के रूप में शुरुआती समय में अंक गंवा दिया। जो बोनस का इशारा इसी बीच, और यहां लक्ष्य से पहले ही बाहर भेज दिया। दूसरी बार ये पुनरावृत्ति, 3-0 से आगे इस वक्त दादरी अंबाला के सामने। चार के डिफेंस में इस वक्त अंबाला। चौथा अंक दादरी की दरिया में। रख हौसला मंजिल का, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। पांचवा अंक देखे बैक टू बैक बेहतरीन मुजाहरा पेश करता हुआ दादरी। सुपर टेकल में दो का डिफेंस, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऑल आउट का खतरा इस वक्त अंबाला पे। अंतिम खिलाड़ी अब पीछे मुड़ के देखा, मैदान साफ है और यहाँ अंडर प्रेशर देखिएगा। ऑल आउट के साथ ही अच्छी बढ़त और ठोस शुरुआत मानी जाएगी दादरी की अंबाला के सामने। समय ध्यान रखना होगा, नहीं तो आसान सा शिकार देखिए। इसके साथ ही ऑल आउट, 3 पॉइंट के साथ ही 9-0 से आगे लीड करता हुआ दादरी अंबाला के ऊपर। गजब की शुरुआत है नैसर्गिक अंदाज से, और यहां बोनस का प्रयास दादरी। बोनस लेने में कामयाब, ढाई अंकों में पहुंच गया है दादरी। जबकि अंबाला समुद्र पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में, और ये देखिए कितनी बेहतरीन ब्लॉक के रूप में चट्टान बन के सामने आए, लेकिन उधर से लॉबी से लक्ष्य तक पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले बिसल बच चुकी थी रेड राउट। किक करने की कोशिश में उभरती विस्तार, वाइब्रेंट की पोशाक में दादरी की टीम, और यहाँ देखिए क्या गजब का कैच दिखाया है। थाई पे अटैक, शाहरुख खान ने चित अंबाला की रेड। चार नंबर में दादरी, और ये देखिए कि स्किल बहुत बेहतरीन, और ये स्किल आमतौर पे खिलाड़ियों में देखने को ही मिलता है, खासकर रेडर को बहुत मजबूती प्रदान करता है। और देखिए हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चंद्र जी, इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, निरंतर मैच में बिछड़ता हुआ पहुंचने वाले हैं, और यहां पहुंच गए हैं लक्ष्य तक। ये बड़ी रेड, 2 पॉइंट अंबाला के अंगना में। कबड्डी त्यागी जी वाइस चेयरमैन, बड़ी देर से सफलता मिली अंबाला को 2 पॉइंट लेकर। पद को सुशोभित कर रहे हैं जिला पानीपत है, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, लेने में कामयाब हरियाणा पुलिस। 12 पे पहुंच गया है, और तमाम वीआईपी जी यहां पहुंचते हुए ढोल लंगाड़ों के साथ स्वागत अभिनंदन अतिथियों का। हेलो, जैसा ही आप सभी जानते हैं सेवा सुरक्षा और सहयोग हरियाणा पुलिस का मेन उद्देश्य रहा, हमेशा सेवा में रहे हैं। ऐसे आप सभी खिलाड़ियों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए, हमारे बीच में
होते हैं लोडा थाना के इंस्पेक्टर जिनका यहाँ पहुँचने पर और ये देखिए चट्टान का हार्दिक स्वागत करती है माउंट एवरेस्ट को तोड़ते हुए कोई कमी नहीं तोड़ते 24 घंटे प्लस पॉइंट दर्शन मिलेगा जी हाँ इंस्पेक्टर साहब पहुंचे हैं और इनके स्वागत में ये ढोल लगाड़े तो आपके कानों तक जरूर पहुंच रहे होंगे। अम्बाला पहले ऑल आउट हो चुका है और यहाँ से अंक गंवाया तो कहानी दोबारा दोहराई जाएगी क्योंकि पीछे दो ही खिलाड़ी हैं और पर शूट देखिए अंकों का फायदा उठाया एक आसान अंक चलती रेड से इसके साथ ही हाफ टाइम का समय और मंच की शोभा बढ़ाते हुए अतिथि के बगैर मंच की शोभा देखिए यहाँ स्थानीय अटावला से प्रदीप जी और उनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर साहब इस मंच की और इस चैंपियनशिप की शोभा बढ़ाते हुए। सेकंड हाफ का खेल शुरू और यहाँ आसान सा कैच किया उसके साथ ही पीछे ऑल आउट यहाँ अम्बाला 23 पे पहुँचता हुआ दादरी और यहाँ बड़ी देर से सफलता मिली है और गर्ल्स सेक्शन का मैच होगा चौथा पॉइंट अम्बाला के अंगना में 4-23 का स्कोर दादरी दमदार असरदार चमकदार उठा ले जाएंगे सही कह रहे हैं और मैं सारी खेल समिति से हमारी एमएच और कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा से अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उत्तराखंड 25 पे देवभूमि के नाम से जाना जाता है वहां के हमारे लेने में कामयाब मुकेश जी त्यागी लेकिन दबाव में देखिए भाव भंगी माए कह रही है इस वक्त अम्बाला की विश्वास खोता हुआ अब तक सिर्फ 4 पे ही पहुंच पाया है लेकिन 25 का स्कोर आ चुका है इधर दादरी का क्वार्टर सेंचुरी कब्जा पर और थाई होल्ड ये देखिए इकलौती नहीं इस गांव की सेवा सुरक्षा सहयोग शाहरुख खान ने चित्र किया जो आमतौर पे कुश्ती में देखने को मिलता है यहाँ कबड्डी में देखिएगा नजारा। मैं आदरणीय प्रदीप जी देशवाल प्रधान से अनुरोध करूंगा साहब जी को जो अगला मैच आपके बीच में होने को जा रहा है मैच के डिफेंस में सुनता वाला 26-4 का स्कोर पानीपत वर्सेस हिसार के मध्य में वो दोनों टीमें तैयार हैं एक तरफ मेजबान जिला पानीपत होगा और दूसरी तरफ मेहमान जिला हिसार होगा और 27वां अंक जोड़ दीजिए दादरी को तो दादरी पूरा दमदार असरदार चमकदार कबड्डी की सरकार इस मैच में अम्बाला के सामने डुबकी लगाई है मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे समय रहते संभालिया हाथ को कब्जे में लिया और तमाम संभावनाओं को खारिज किया हालांकि बड़ी रेड हो सकती थी यदि पहुंच पाती तो प्रदीप नरवाल की कॉपी करने की भरपूर कोशिश की मगर सफलता से थोड़ा सा पीछे और इधर एक और अंक गंवाता अम्बाला बहुत है 29 पे पहुंच गया है युवा टीम जो यहां की युवा खेल समिति 4 पे ही अटावला जिला चकमा खाता हुआ अम्बाला दबाव स्किल की कमी कहीं ना कहीं अभ्यास उतना बेहतर नहीं जितना दादरी ने किया है पिछले आसान सा कैच मुझे याद है टीवी पकड़ो कैच जीतो मैच मार्च को बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश की उत्तरी भारत की बड़ी प्रतियोगिता रखी थी अंतिम खिलाड़ी के लिए आत्मसमर्पण और ऑल आउट देखिए मैच में कुल मिलाकर यहां तीसरी बार अम्बाला दादरी के सामने ऑल आउट दादरी दमदार 33 पे पहुंचता हुआ 30 अंकों की बड़ी बढ़त और यहाँ बड़ी देर से एक अंक बिल्कुल किसी परिचय की मुराद नहीं है देर हो चुकी है शायद क्योंकि देर आए दुरुस्त आए सुबह का भोला शाम को घर आ जाए उसे भोला नहीं कहते लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा विलंब कर दिया अम्बाला ने 2 अंक इधर से गंवाए यानी 35 पे बड़ा स्कोर इस वक्त दादरी का जबकि 5 के ऊपर ही इस वक्त अम्बाला 30 अंक की जो बढ़त है काफ़ी विशाल दूसरे हाफ का खेल
और ये देखिए तालमेल, आत्मविश्वास देखिए, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस दादरी की बालिकाओं का। सोनार बेटियां, प्रतिभावान खिलाड़ी, कौशल टैलेंट का जलवा इसमें बिखेरते हुए इस तपती गर्मी में हिट वेव, और वहाँ हिट वेव में ही दबोचा जरूर फायदा सिर्फ एक घंटा अम्बाला को। प्रदीप जी देशवाल के नेतृत्व में, और इसके साथ इस समय समाप्त, और यह मुकाबला दादरी ने जीत लिया अम्बाला को पराजित करते हुए। 36-6 का स्कोर, यानी कि 31 पॉइंट के अंतर से दादरी ने अम्बाला को पराजित किया। और शुक्रिया विकास जी शर्मा तमाम ऑफिशियल।